डाउ हिल पहुंच गए हैं। ये डाउ हिल का चर्च है और ऊपर विक्टोरिया स्कूल भी दिख रहा है। तो ये जगह हॉन्टेड माना जाता है। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस है जहाँ पे वो लोग प्रूफ दिया कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब सुपर नेचुरल कुछ है जो यहाँ पे रात हो जाता है और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है यहाँ पे एक बच्चा घूमता है जिसका सर नहीं होता है। सो गुड मॉर्निंग, दिस इज अवर डे 6। वी आर एट दार्जिलिंग नाउ एंड ये अभी ऐसा लग रहा है सुबह सुबह एंड जस्ट मेरा हम लोग का जस्ट पीछे दार्जिलिंग का जो टैक्सी स्टैंड है वो है। तो उसका प्लान ये है, सुबह सुबह हम लोग अभी जा रहे हैं महल में, थोड़ा वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद जो है ग्लेनरीज में ब्रेकफास्ट करेंगे या तो कैवेंजर्स में करेंगे, देखते हैं कहीं पे कुछ करेंगे। तो बाकी लोग सब आ रहा है, मैं और तानिया अभी निकला हूँ, तो देखते रहिए ब्लॉग और फिर मिलते हैं आपसे महल में पहुँच के। तो मेरे पीछे जो मार्केट है ये मॉल मार्केट है, यहाँ पे वूलन बहुत सारा चीज़ मिलता है और भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अभी खुला नहीं है। ठंडा बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अभी जो इतना पैदल चल के आया ठंडा वंडा ख़त्म हो गया और माहौल बहुत ही सुंदर है। लेकिन महल का जितना भी स्टोर्स है, क्यूरियो शॉप्स है यहाँ पे, वो अभी भी ओपन नहीं हुआ है, धीरे धीरे खुलेगा। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स ग्लेनरीज फॉर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट और सुन रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत क्यू है जो नेचुरली रहता है ग्लेनरीज और केविंटर्स में। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द ब्लॉग। सो भाई केविंटर्स में काफ़ी लंबा क्यू था, इसीलिए हम लोग पहुँच गए ग्लेनरीज में। तो व्लॉग देखते रहिए, हम लोग खाना वाना ऑर्डर कर दिए हैं, आ जाता है फिर मैं दिखाता हूँ आपको। सो हम लोग का ब्रेकफास्ट आ चुका है। तानिया ऑर्डर किया था फ्राइड एग्स एंड सॉसेजेस, चिकन सॉसेजेस और फ्राइड एग्स बेकन एंड सॉसेजेस, जिसमें बेकन है, सॉसेजेस है, एग है, एग ऑमलेट है। जस्ट लुक एट द क्वांटिटी ऑफ बटर, चार ब्रेड है, इसके बाद इतना मक्खन हम लोग खाएंगे। की ऑर्डर दिले रोस्ट चिकन सब सैंडविच आर रोई की साउंड्स गुड बीफ साउंड्स गुड। चलो तो खाना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं और हॉट चॉकलेट और जो जो बाद में ऑर्डर किया गया वो आने दीजिए, फिर दिखाते हैं आपको। This is fried bacon. And this is damn good. Glenarys or Caventers mein aake you should try the pork platter. Bahut acha hai yahan ka pork. Sara khaye na tara aur wo to chicken khabe. और जो लोग नहीं खाते हैं वो तानिया जैसा चिकन विकन कुछ खाना पड़ेगा। ग्लेनरीज में अगर आप आते हो तो ब्रेड टोस्ट कैसे खाना है, तो मोटा लेयर देना होगा बटर का, उसके बाद शुगर रखा हुआ है। चलो बाय द वे इनका दूसरा ऑर्डर भी आ गया, ये क्या है, व्हाट इज दिस, बीफ सब सैंडविच। ओके अरे तो फूले देखिए इधर की क्या है, दिस इज बीफ सब सैंडविच, इसमें बीफ है, रोस्टेड बीफ है, रोस्टेड बेकन है और वेजिटेबल्स है, मेयोनीज है एंड व्हाट इज दिस, चिकन रोस्ट सैंडविच, रोस्टेड चिकन मेयो एंड सम ऑलिव्स एंड सम ऑलिव्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। यस What's up? First time in Paris. Haan. Khe dekho kemon experience hoy. Same here. Amaro first time. Khana? This is my first time. Want to say something? This is my first time over here and I'm waiting for my orders to come. Dessert has arrived and this is the cheesecake. Ye kya hai? Ki bole eta ke? Eclair. Eclair. Eclair pastry. This is eclair pastry. और मैं इतना सारा ऑर्डर कर लिया था, मुझे अभी भी खत्म नहीं कर पाया खाना। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट और लंच ब्रंच खत्म हो चुका है, बहुत कुछ खाए। सो स्टे ट्यून्ड टू द व्लॉग। सो राइट नाउ वी आर एट हिमालयन कॉफी एंड वी हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 कप्स ऑफ टी। सो
अच्छा टीकी ब्लू टी दिस इज द ब्लू टी जैस्मिन टी दिस वन इज द जैस्मिन टी एंड कश्मीरी कावा दिस वन इज द कश्मीरी कावा ओके जो ब्लू टी है इसका स्पेशलिटी ये है इसमें लेमन डालने से इसका कलर चेंज हो जाता है कहाँ है भाई लेमन कहाँ है लेमन यहाँ है अच्छा थोड़ा वेट करना पड़ेगा और ब्लू होगा ओके तो थोड़ा वेट कर जाते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये जो कलर चेंज वाला है वो आपको दिखाते हैं अच्छा तो ये ब्लू टी है और अभी इसका कलर चेंज होता है कैसे नींबू देने से वो देखिए देखिए इसका कलर ब्लू से वायलेट हो चुका है चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है उसके बाद शेयर करते हैं आपसे क्या मोनेटा हाउ इज इट गुड वेरी रिफ्रेशिंग सना सो मलायन कॉफ़ी में आपको क्या क्या मिलेगा टी कॉफ़ी तो मिलेगा उसके साथ साथ बेकरी भी है जैसे यहाँ पे चॉकलेट माफिन है और प्राइस आप देख सकते हो इसका 90 rupees है बनाना माफिन है विच इज़ रीज़नेबल 90-100 के अंदर ही मिल रहा है बाकी वॉलनट ब्राउनी है चीज़ केक है बहुत कुछ रखा हुआ है आप लोग आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग ले सकते हो ब्लैक फॉरेस्ट भी अवेलेबल है यहाँ पे किचन है किचन तो नहीं मतलब कॉफ़ी वॉफी सब कुछ बनता है और एम्बियंस आप देख सकते हो बैठने का जगह जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसके ऊपर भी बैठने का एक जगह है लेकिन हम लोग नहीं गए वहाँ पर और ये जो है ये मैल वाला रोड ही है इधर जाने से मैल है और इधर जाने से केवेंटर्स और वेदर अगर क्लियर रहता तो यहाँ से आपको हिमालय भी दिख जाता सो दिस इज़ द हिमालयन कॉफ़ी इज़ ऑल अबाउट यू शुड कम ओवर हियर एंड ट्राई द ब्लू टी आपको यहाँ के ब्लू टी ट्राई करना है सो दार्जिलिंग पार्टी इज़ कम्प्लीटेड इट्स ओवर ऑलरेडी हम लोग काफ़ी मस्ती वस्ती किए and very and the most sad part is that tomorrow we will be leaving for kolkata after 6 long days to yahan se nikal jate hain uske baad aapse milte hain so we have left our hotel and we have started here for siliguri beach mein dau hill mein rukne ka plan ho raha hai to stay tuned to the vlog guys aur fir milte hain aapse bahut jald अभी देखो ये घूम स्टेशन है हम लोग जब जा रहे थे तो काफ़ी रात हो गया था अंधेरा में दिखाना पड़ा था आपको तो मैं सोचा कि एक बार गोप्रो ऑन कर लेता हूँ सॉरी मैं एक चीज़ गलत बोल दिया एक्चुअली उस टाइम इतना फॉग था ना दिख नहीं रहा था तो मुझे मेरा दिमाग में चला कि शायद रात में आया होगा तो एनीवेज अभी भी देखो घूम में हमेशा ऐसा ही वेदर रहता है यार हमेशा फॉग क्लाउड स्पेशली ये जो जगह है दोनों तरफ पाइन है दार्जिलिंग पहुंचने का जस्ट दार्जिलिंग और दार्जिलिंग से घूम क्रॉस करने के बाद आपको ये जगह मिलेगा मुझे बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ये जगह बहुत सुंदर लगता है ये फर्स्ट टाइम जब हम लोग आए थे एक काम के लिए मुझे आना पड़ा था तो मैं यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींचा था वो फ़ोटो अभी कुछ दिन पहले मैं देखा और अभी मैं बाइक लेके कोलकाता से आ गया हूँ दार्जिलिंग देखो मेरा हैंडल में जो ये लगा हुआ है ये कल रिकी खरीद के लेके आया मार्केट से बहुत पहले जब बाइक खरीदा था उस टाइम लगा हुआ था फिर मैं उतर दिया था कोलकाता में ये सब लगा के घूमना मुझे सही नहीं लगता है यहाँ पे आया तो सोचा कि एक लगा लेते हैं और आप लोग भी बताओ कैसा लग रहा है मुझे तो यार बहुत अच्छा लग रहा है ये आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा ये और ये जो हवा में जो उड़ रहा है ना दिस लुक जस्ट ब्यूटीफुल
प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ. हम लोग फर्स्ट पहले डिसाइड कर रहे थे कि डाउहिल जाएंगे. डाउहिल तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले वी विल गो टू मार्गरेट्स डेक. काफ़ी पॉपुलर एक टी लाउंज है कार्शियंग में, तो कार्शियंग क्रॉस करेंगे. और जू का प्लान भी कैंसिल हो गया था दार्जिलिंग में, तो वी हैव सम टाइम लेफ्ट. सो इसीलिए हम लोग प्लान किए कि मार्गरेट्स डेक में थोड़ा चाय कॉफ़ी जिसको पीना है थोड़ा पी के बैठ के. लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं स्पेंड कर पाएंगे क्योंकि सिलीगुड़ी लौट के भी कुछ काम है. सो वी हैव रीच्ड मार्गरेट्स डेक एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टी लाउंज इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग. जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम द डेक. इफ यू कम हियर यू विल बी अमेज्ड लाइक एनीथिंग. सी दिस, there are tea gardens, there are hills, and also to some extent you can view the Kashyang town as well. And this is the deck all about. Superb view from the place. So hum log zyada der yahan pe nahi rukenge, we'll just have a cup of tea or coffee and then we will go. So if you are visiting Darjeeling, Kashyang or Siliguri, you should come to this place and you should have a cup of coffee or tea over here. And this is a damn beautiful place. आप लोग देख पा रहे हो, मुझे बोलने का ज़रूरत ही नहीं है. यहाँ से जो व्यू है देख लो एक बार आप. हॉट चॉकलेट ऑर्डर किए थे क्योंकि टाइम भी नहीं है ज़्यादा. खा के थोड़ा रिव्यू दो व्यूअर्स के लिए कि कैसा है. Not so good. Okay, not up to the mark. Rahul, कैसा लग रहा है? Hot chocolate is fine, not that great, but the environment. I mean, it's normal, right? The ambience, the scenery is superb. Yeah. So this was the review of the hot coffee over here. देखो यहाँ पे आके कुछ भी पियो, ये जो view और ambience है उसके लिए you have to pay. और कॉफ़ी चाय या हॉट चॉकलेट जो भी हो, इट्स लाइक नॉर्मल. बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन अच्छा है, ठीक ठाक है. तो चलिए फिर मिलते हैं गोप्रो में. सो कार्शियांग से डाइवर्शन लेके नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स डाउहिल. थोड़ा सा ऊंचा है यहाँ से. तो लगभग डाउहिल पहुंच गए हैं. ये डाउहिल रोड ही है, तो सोचा यहीं से गोप्रो ऑन कर लेते हैं. बाकी पता नहीं आगे क्या क्या मिलेगा, पहले एक बार पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे. लोकेशन तो एंड दिखा रहा है, लेकिन ये जो रास्ता है ना, दिस इज जस्ट ऑसम. बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के. द रोड लुक्स स्केरी seriously, this is scary place, man. दिस इज द लोकेशन गाइज, जो कि हॉन्टेड माना जाता है. तो फाइनली हम लोग डाउहिल पहुंच गए हैं एंड दिस इज द चर्च. ये डाउहिल का चर्च है और ऊपर विक्टोरिया स्कूल भी दिख रहा है. तो ये जगह हॉन्टेड माना जाता है. यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस है, कुछ मीडिया हाउसेज है, जैसे आज तक हो गया, जी हो गया, ये लोग कुछ स्टोरी भी डॉक्यूमेंट्री टाइप का भी कवर किया था, जहाँ पे वो लोग प्रूफ दिया कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब सुपरनेचुरल कुछ है. भूत टाइप का मतलब वैसा तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ का जो लोकल लोग है उन लोगों का कहना है कि
जो यहाँ पे रात हो जाता है और यहाँ का जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे एक बच्चा घूमता है जिसका सर नहीं होता है। तो दिस इज द स्टोरी। रियल में क्या है क्या नहीं वो तो आपको आने से, यहाँ पे गांव में थोड़ा घूमने से, लोगों से बातचीत करने के बाद पता चलेगा। लेकिन क्योंकि वी आर विजिटिंग दिस प्लेस, सो मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। चलिए, और ये देखिए, ये जो पूरा फेंसिंग किया हुआ है वो खुला था गेट, अब वो भी फेंस से बंद कर दिया गया ताकि कोई इसमें अंदर ना घुसे। और ये देख के आपको थोड़ा सा स्पूकी टाइप का लगेगा, देख के ही लग रहा है कि रात में पता नहीं कितना हॉन्टेड लगेगा, लेकिन दिन में ही भी देख के आपको लग रहा है कि ये हॉन्टेड है। और देखिए ये जो दरवाज़ा है ये भी बाहर से सील किया गया है, बंद कर गया है ताकि कोई अंदर ना आ पाए। और ये विक्टोरिया स्कूल है, विक्टोरिया बॉयज स्कूल। तो भाई दिस वॉज द डाउ हिल हॉन्टेड प्लेस इज ऑल अबाउट। अब यहाँ पे रात बिताने का इरादा तो नहीं है ना उतना दम है, तो यहाँ से अभी हम लोग निकलते हैं क्योंकि सिलीगुड़ी टाइम पे भी पहुँचना है और बाइक में सारा सामान वामान पैक किया हुआ है। तो डाउहिल देखने का मन था, वो देख लिए। चलिए फिर मिलते हैं बाद में आपसे, व्लॉग देखते रहिए। सो दिस इज़ द कर्शियंग टाउन। हम लोग कर्शियंग से थोड़ा सा पहले डाउहिल का जो डाइवर्शन था उसमें चले गए थे, फिर उसी डाइवर्शन से वापस आए कर्शियंग, और अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी बैक। सो कर्शियंग क्रॉस कर गए, लेकिन अभी इसलिए गोप्रो ऑन किया क्योंकि ये रास्ता जो है बहुत ही खूबसूरत है, आपको पूरा टी गार्डन्स दिखेगा पहाड़ में, और रोड भी बहुत, रोड कंडीशन इज़ आल्सो वेरी गुड। तो सिलीगुड़ी पहुंचने में अभी भी यहाँ से 30 किलोमीटर्स शो कर रहा है गूगल मैप में, एक घंटा जैसा लग ही जाएगा। प्लेन रोड रहता तो अलग था, लेकिन हिल में लग ही जाएगा एक घंटा। तो हम लोग अभी रोहिणी में हैं, रोहिणी होके सुकना होके सिलीगुड़ी घुस रहे हैं। ये जो रोड है ना, हमेशा मुझे ये अच्छा लगता है, ये एकदम खाली ही रहता है, लगभग खाली रहता है। और ये जो जंगल है आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में जो जंगल दिख रहा है, सामने टी गार्डन भी है, रोहिणी टी एस्टेट है, तो यहाँ पे हाथी निकलता है। ये जो जगह है यहाँ पे बहुत बार हाथी निकला है, न्यूज़पेपर में टीवी में देखते रहता हूँ कि रोहिणी सुकना ये सब जगह में हाथी निकलता है। मेरा राइट हैंड साइड में देखिए, ये रोहिणी टी एस्टेट का ही लैंड है और ये पूरा चाय बागान दिख रहा है लेफ्ट राइट दोनों साइड पे। और ये जो स्ट्रेच है कितना सुंदर लग रहा है, देखिए देखिए, ये जो है ये सुकना एरिया है, यहाँ पे टी गार्डन है और मिलिट्री बेल्ट है पूरा ये जो एरिया, और कितना क्लीन है और कितना सुंदर है देखिए जगह, चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखेगा। सामने एक ब्रिज भी है, वो भी बहुत खूबसूरत है। बाकी मेरा लेफ्ट एंड राइट में जो भी आपको दिख रहा है मिलिट्री स्टेशंस वगैरह है, और सारा मिलिट्री का ही एरिया है। यहाँ पे एक कैंटीन भी है लेफ्ट हैंड साइड में, सामने खाना भी अच्छा खासा मिल जाता है। पता नहीं आज तो हम लोगों का ट्रिप का एंड हो रहा है, फिर से नॉर्थ बंगाल कब आएंगे कहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा मिस करते हैं नॉर्थ बंगाल को। ये टी गार्डन, हिल्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, क्या नहीं है यार यहाँ पे, सब कुछ आपको मिलेगा। एनीवेज गाइस, वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड सिलीगुड़ी, बस अभी होटल घुसना बाकी है, थोड़ा देर में पहुंच जाएंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल ऑफ करता हूं और फिर बाद में मिलते हैं। आज शायद इसके बाद मैं कुछ नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए क्योंकि कल जो है बहुत लंबा सफ़र रहेगा फ्रॉम सिलीगुड़ी टू कोलकाता, ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। आज हम लोग बहुत सारा चीज़ कवर करने का कोशिश किया, जितना हो सके हमसे उतना किए, और फिर मिलते हैं बहुत जल्द नया एपिसोड के साथ
आप लोग देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर गाइज़।